दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पैनासोनिक इलुगा i9 का, i9 EV, और क्या मॉडल नंबर दिया जो भी हो, तो इसका रिव्यू आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छा, जो कि है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, रियर कैमरा प्लस के साथ, और भी बहुत सारा इफेक्ट के साथ, फेक्स ब्यूटी कैप शॉट, नाइट प्रोफेशनल वाटर मार्क, बहुत सारा इफेक्ट इसमें दिया गया है दोस्तों। और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। 5 इंच का IPS HD डिस्प्ले मिल जाता है। Android 7 Nougat मिल जाता है इसमें। 1.25 GHz का कोर्टेक्स A53 प्रोसेसर और MediaTek MT6737 वाला जो क्वाड कोर प्रोसेसर है, वो भी आपको इसमें मिल जाता है। ARM आपको Mali-T720 GPU मिल जाता है, जो कि 3 GB RAM के साथ आता है। और ये एक गेमिंग फ़ोन है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक गेमिंग फ़ोन है, ठीक है। 32 GB के इंटरनल मेमोरी आपको इसमें मिल जाता है। 128 GB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, अच्छी बात है दोस्तों। और इसमें आपको 2500 mAh का बैटरी भी मिल जाता है दोस्तों, दोनों ही सिम 4G के साथ, ठीक है। तो देखा जाए तो ये फ़ोन सब तरफ से ठीक ठाक है। जो लुक है इसका, इस फ़ोन का जो लुक है, डिज़ाइन है, वो थोड़ा सा ओल्ड मॉडलिश है, लेकिन दोस्तों ये एक गेमिंग फ़ोन है। तो इसमें जो कमी है वो है इसका प्राइस दोस्तों। इसका प्राइस अभी के टाइम पे इसका प्राइस रखा गया है 9000 रुपये के करीब करीब प्राइस रखा गया है। 8990 रुपये इसका प्राइस रखा गया है, जो कि बहुत ही हाई है। तो आप लोग इस रेंज पे इससे भी अच्छा मोबाइल पा सकते हैं, मिल सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यही था इसका रिव्यू। फिर भी इसके बारे में और डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए, क्लिक करके आप और भी डिटेल इसके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। यही था इसका रिव्यू पैनासोनिक इलुगा i9 का, जो कि फ़ोन तो अच्छा था, लेकिन दोस्तों प्राइस ने इसको ये कर दिया, थोड़ा ओल्ड मॉडल है, लेकिन फिर भी ये चल जाता, लेकिन क्या बताऊँ आप। तो यही था इसका रिव्यू, कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय।